हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पलता और आप सभी का पुष्पलताज फ्लेवर पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी नाश्ते की रेसिपी, वेजिटेबल इडली। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपीज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगती हैं। वेजिटेबल इडली बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक सूजी ली है। जितनी सूजी ली है हमें उतना ही दही लेना है, यानी 1 कप सूजी ली है तो 1 कप दही लें। दही ताज़ा लेना है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अब हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। घोल अच्छे से तैयार हो गया है, अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब इडली की प्लेट्स लें और उनमें सभी प्लेट्स में तेल लगा लें। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर से सभी प्लेट्स में तेल लगा लिया है। अब एक चौड़े मुंह का बर्तन लें और उसमें पानी उबलने के लिए रख दें। 20 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक स्वाद के अनुसार मिलाएं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हरी मटर, 1 चम्मच स्वीट कॉर्न, 2 चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर डालें। सब्जियां आप अपनी पसंद से और कोई सी भी डाल सकते हैं। आप इसमें कैप्सिकम या कद्दूकस की हुई फूल गोभी और भी सब्जियां डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। घोल काफ़ी गाढ़ा लग रहा है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो भी डाल सकते हैं। इसे हल्के हाथों से मिला लें, इसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब इडली की प्लेट्स लें और उसमें तैयार घोल को डाल दें। सारी प्लेट्स में इडली का घोल डालने के बाद हम इसे ऊपर से भी सब्जियों से सजा देंगे। इसके ऊपर भी आप गाजर, हरी मटर और स्वीट कॉर्न को डाल दें, इससे हमारी इडली सुंदर दिखेगी। अब तैयार इडली को उबलते हुए पानी में रख दें और इसे ढककर 20 मिनट के लिए पका लें। 20 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। इडली अच्छे से पक चुकी है, ये चाकू में चिपक नहीं रही है और ये हाथों में भी चिपक नहीं रही है। इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। अब गैस बंद कर दें और इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। इडली ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। एक एक करके सभी इडलियों को निकाल लें। इडली बनकर तैयार है। आप इसे मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें और अगर बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो आप उन्हें सॉस के साथ दे सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।